बड़ी खबर आई गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर पर हमले से जुड़ी हुई। इसराइल ने गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमला कर उसके बड़े कमांडर इब्राहिम बयारी को मार गिराने का दावा किया। इसराइल के मुताबिक इस हमले में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जबकि हमास ने दावा किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई और सैकड़ों लोग इन हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार्रवाई के बाद इसराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर कब्जे का भी दावा किया, यानी गाजा में इसराइल की सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसलिए उसने उत्तरी गाजा में बसे जबालिया को निशाना बनाया, जहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और इन भीषण हमलों के बाद गाजा के जबालिया में हाहाकार मच गया। सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई, जिनकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। आसमानी हमला रुकते ही वहां जिंदा बचे लोगों ने चारों तरफ फैले मलबे से लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की। इन हमलों की चपेट में गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर भी आ गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि बमों और मिसाइलों के हमले ने कई इमारतों के परखचे उड़ाने के साथ जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे भी कर दिए, जिनके नीचे दबे लोगों को आनन फानन में निकाला गया। उनमें ज्यादातर की मौत हो चुकी थी, जबकि कुछ ही ऐसे थे जिनकी सांसें चल रही थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वहां कई लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द छलक उठा। और इन भीषण हमलों के बाद जबालिया के अस्पतालों में घायलों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अचानक वहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बची, क्योंकि जबालिया शरणार्थी शिविर में सैकड़ों लोग रहते थे, जिनके ऊपर इतना भीषण हमला हुआ कि पूरा इलाका ही कब्रिस्तान में बदल गया। अस्पतालों के बाहर भी कई शव दिखाई दिए। हमले के कई घंटों बाद तक चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आईं। धुएं का गुबार भी थमता नजर नहीं आया। हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। जो इमारतें मलबे में तब्दील नहीं हुई उनमें भी सब कुछ खत्म हो चुका था। हमले के कुछ चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उनके मुताबिक इसराइल की सेना ने अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान F-16 से जबालिया में कई मिसाइलें दागी, जिससे कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के डॉक्टरों के भी पसीने छूटने लगे। गाजा में लगातार हो रहे हमलों की वजह से वहां के सभी अस्पतालों में इलाज से जुड़ी चीजों की भारी कमी हो गई है। इसके अलावा बिजली, पानी और ईंधन की किल्लत से भी वहां के अस्पताल लंबे वक्त से जूझ रहे हैं। और इस बीच जबालिया में हुए इन भीषण हमलों ने गाजा की हालत और खराब कर दी। इसराइल ने जिस जबालिया कैंप को तबाह करने का दावा किया है वो उत्तरी गाजा में बसा, जहां इसराइल की तरफ से बमों और मिसाइलों की बारिश की गई। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बने जबालिया शरणार्थी कैंप पर की गई बमबारी में कई लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है और गाजा शहर से इसकी दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, और अब तक इसे युद्ध के बीच सुरक्षित माना जा रहा था। लेकिन इसराइल का दावा है कि उसने चंद मिनटों में जबालिया का नक्शा ही बदल दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में ज्यादातर आम नागरिक मारे गए, जिन्होंने इस शरणार्थी शिविर में शरण ले रखी थी, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही गाजा के ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं शरणार्थी शिविरों में डेरा जमाए हुए हैं। इसराइल ने शुरुआत में ही गाजा के उत्तरी हिस्से से लोगों को दक्षिण में जाने की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि वो लगातार उत्तरी हिस्से में हमास के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। और जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले को लेकर इसराइल ने यह दावा किया कि उसने वहां हमास के कमांडर इब्राहिम बयारी को ढेर कर दिया। इसराइल के मुताबिक इन हमलों में इब्राहिम बयारी समेत हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो लगातार इसराइल की सेना पर फायरिंग कर रहे थे। इसराइल के मुताबिक उसकी सेना ने जबालिया में मौजूद हमास के ठिकानों को टारगेट कर इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। उसका दावा है कि हमास ने जबालिया शरणार्थी शिविर में अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था, जिसे मिसाइलों के हमले में तबाह कर दिया गया। यानी इसराइल के मुताबिक हमास शरणार्थी शिविर की आड़ में वहां से लगातार हमला कर रहा था। यही नहीं, इसराइल ने यह भी दावा किया कि इब्राहिम बयारी नाम के जिस कमांडर को उसने मार गिराया वो 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इसराइल का दावा है कि जबालिया में जिस जगह उसने हमले को अंजाम दिया वहां हमास की सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद था, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो गया। और हमास की सुरंगों के इसी जाल को इसराइल ने जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमले के बाद मची तबाही के लिए जिम्मेदार बता दिया। इसराइल के शरणार्थी कैंप पर हमले में उसके आसपास की कई इमारतें भी धराशायी हो गई और उन इमारतों के मलबे में भी बड़ी संख्या में लोग दब गए। यही वजह रही कि जबालिया कैंप पर हुए हमले में इतनी बड़ी तबाही हुई। लेकिन इसराइल ने अपने इस हमले को सही साबित करने के लिए हमास की इन्हीं सुरंगों का सहारा लिया, और उसके मुताबिक वहां जो नुकसान हुआ वो हमास की ही एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ।
क्योंकि इसराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने जब कैंप पर हमला किया तो उस इमारत का मलबा तेजी से नीचे गिरा और ऐसा होते ही वहां मौजूद सुरंगें भी तेजी से धसने लगी। सिर्फ शरणार्थी कैंप ही नहीं बल्कि उसके आसपास की दूसरी जगहों पर मौजूद सुरंगें भी धस गईं और उनके ऊपर बनी इमारतें भी मलबे में बदल गईं। यानी इसराइल ने हमास के लड़ाकों को मार गिराने के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगों को भी निशाने पर ले लिया। इसराइल के मुताबिक उसने हमास के ठिकाने को ही टारगेट कर इस मिशन को पूरा किया, क्योंकि हमास के लड़ाके जबालिया में शरणार्थी शिविर की आड़ में खुद को बचाने की फिराक में थे। इसराइल के मुताबिक उसे उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया में एक ऊंची इमारत में कई लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी और उस इमारत के नजदीक स्कूल और अस्पताल के अलावा कुछ सरकारी दफ्तर भी थे। और इसराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को अपना ठिकाना बनाया था, क्योंकि वहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था जहां आम नागरिक रहते थे। उन्हें यकीन था कि इसराइल शरणार्थी शिविर पर हमला नहीं करेगा और वो अपनी गतिविधियां आसानी से वहां से चला सकेंगे, लेकिन दावा है कि इस प्लान का पता चलते ही इसराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को जबालिया भेज दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बच गए। और इन्हीं हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। इसराइल के मुताबिक जबालिया में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम बयारी 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों की साजिश रचने में शामिल था, जिसे हमास ने मध्य गाजा में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। इसराइल के मुताबिक इब्राहिम बयारी हमास का सीनियर कमांडर था और उसी की देखरेख में इन दिनों हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे थे और हमास के सभी अभियानों में उसका अहम रोल था। और इसराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को इसराइल के अलग अलग शहरों में हुए हमलों की साजिश रचने में इब्राहिम बयारी भी शामिल था और उसी के इशारे पर कई लड़ाके हाथों में हथियार लेकर इसराइल की सीमाओं में घुस गए, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जिसका मतलब है कि इसराइल ने जबालिया में हमला कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि दावा किया जाता है कि जंग के 26 दिन गुजर जाने के बाद हमास के मरने वाले कमांडरों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई। और इसी के साथ इसराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इसराइल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसराइल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इसराइल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी, लेकिन इस भीषण हमले के बाद इसराइल ने ये दावा कर दिया कि जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है। यानी गाजा में घुसकर इसराइल की सेना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार आगे बढ़ रही। यही नहीं, इसराइल ये भी दावा करता है कि उसकी सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की ज्यादातर सुरंगों को तबाह कर चुकी है। यानी जिन सुरंगों के दम पर हमास इसराइल को चुनौती दे रहा है उसकी वो ताकत घटती जा रही है। और जबालिया शरणार्थी कैंप पर इसराइल के इस हमले से मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और जमकर इसराइल पर बरसे, क्योंकि आरोप लगा कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर जो हमला हुआ उसमें 50 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम देश एक बार फिर इसराइल पर भड़क गए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सभी मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इसराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने तो इस हमले को अमानवीय करार दे दिया। ईरान और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने भी इस हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मची तबाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं मिस्र ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया और यूएई ने इस हमले के बाद एक बार फिर युद्ध में सीज फायर की मांग की। इसके साथ ही कतर ने भी इसराइल को आड़े हाथ लिया और गाजा पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया। और इसी के बाद जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले से इसराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन बुरी तरह भड़क गया और उसने इसराइल के इस हमले को अमानवीय बता दिया, क्योंकि गाजा में उस शरणार्थी कैंप पर इतना भीषण हमला हुआ कि वहां लाशों का ढेर लग गया, जिससे जॉर्डन के लोग भड़क गए और इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा में इसराइल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इसराइल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की।